amazing performances. It touched our hearts. Once again, a big round of applause who touched our hearts. Okay. Now, ladies and gentlemen, get ready for a short quiz on the influence of South Indian artists in Hindi cinema. So, over to you, Yatharthan Narayani. हम तो अक्सर मूवीज देखकर भूल जाते हैं, बट ये 80s 90s की जनरेशन वालों को तो डायलॉग्स, एंटायर लिरिक्स, कैरेक्टर्स के नाम एंड म्यूजिक सब सब कुछ याद रहता है. दैट्स ट्रू. सो लेट्स प्ले अ शॉर्ट क्विज एंड चेक हाउ मच वी रिमेंबर अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ इंडियन आर्टिस्ट ऑन इंडियन सिनेमा. सो ऑडियंस, आर यू रेडी? सो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला सवाल, व्हाट वाज़ द टाइटल ऑफ द 2012 बॉलीवुड फिल्म इन विच श्रीदेवी मेड हर कमबैक? या ऑफ कोर्स इंग्लिश है, कौन भूल सकता है इसे. सो ऑडियंस, आपके लिए दूसरा सवाल, विच एक्ट्रेस इज ऑफन रेफर्ड टू एज ड्रीम गर्ल ऑफ बॉलीवुड? ये तो सबको पता ही था, हेमा मालिनी. अगला सवाल आता है, हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज थल लाइवा एंड इज एन हाईली इन्फ्लुएंशियल एक्टर इन द साउथ इंडियन सिनेमा? वाह, आई गेस द आंसर वाज क्वाइट ऑब्वियस. सो आखिरी सवाल, ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज हुई थी. फॉर विच सॉन्ग कंपोज बाय एआर रहमान फॉर द मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर which became an international hit and earned him a Grammy Award. Yes, it's Jai Ho. ये गाना जब रिलीज हुआ था, ये हर भारतीय के ज़बान पे था. Thank you, audience. Through this event and quiz, we salute the South Indian artists who not only graced the silver screen but also reshaped the landscape of Indian cinema. And we thank you all for your enthusiastic support. मैं तो जा रहा हूँ. Over to you, Narayani Asanvi. श्री जलज शर्मा जी, एज यू आर स्टिल हियर विद अस इन स्पाइट योर बिजी स्केड्यूल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर अ फ्यू वर्ड्स विद अस. वी वुड लव टू हियर यू. गुड इवनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशंस. मिस्टर कटारिया, चेयरमैन ऑफ अशोका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, Mr. Ashish Kataria, the entire Kataria family, the entire family, the administration of Ashoka Group of Institutions. Initially, I was a bit hesitant to come here because of my prior commitments. But let me tell you, मैं आपको बताना चाहूँगा कि thanks to coming here, I have seen one of the best performances ever in the last few years. मतलब बच्चों का एंथुजियाज्म और उसी के साथ ही जो क्यू को फॉलो कर रहे हैं, क्यू को कभी किसी बच्चे ने मिस नहीं किया. यहाँ का ये स्कूल लेवल का नहीं, आई कैन टेल यू आई हैव सीन मेनी शोज, तो दिस इज एट द इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस. और इतने छोटे छोटे बच्चों का इतना प्रोफेशनल तरीके से परफॉर्म करना, उसी के साथ ही मैं इनके पेरेंट्स और इनके जो टीचर्स हैं जिन्होंने इनको कई घंटों तक ऐसा ट्रेन करके ऐसा बनाया कि दे कैन बीट एनीवन, दे कैन परफॉर्म एनीवेयर, दे हैव द कॉन्फिडेंस, यू कैन सी देयर स्माइल्स व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. तो इनके पेरेंट्स और इनके जो टीचर्स हैं जिन्होंने आज जिनकी वजह से यहाँ आए, उनके लिए भी एक बार तालियां प्लीज. लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि जो सभी बच्चे हैं, इन लोगों ने जो मेहनत करी है उसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस. उसी के साथ ही जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस. आई होप कि ये बच्चे बड़े होकर भी इसी तरह ना सिर्फ एकेडमिक्स बट परफॉर्मिंग आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करेंगे, एक वेल राउंडेड सिटीजन ऑफ इंडिया बनेंगे, एक देश का अपने पेरेंट्स का और अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने आल्मा मेटर का नाम रोशन करेंगे. सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस ऑल दीज वंडरफुल चिल्ड्रन. थैंक यू. लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज डियर ऑडियंस.
may we now take this opportunity to invite our beloved chairman sir to please come on the stage and encourage and address us. We are so lucky today, the group of chief guests which we have got. Wow. First of all, the collector of Nasik, Jalal Ji Sharma, जिन्होंने अभी आपसे बात करी, म्यूजिशियन नितिन वारे एंड डॉक्टर आयुर्वेद ताइडे और म्यूजिक में जिनका टॉप में नाम है, जिन्होंने कई म्यूजिक, उनकी इंट्रोडक्शन तो आपने सुनी है कि कई मूवी को उन्होंने संगीत दिया है, कई म्यूजिक उन्होंने कंपोज किया है, ऐसे रमेश नरेश नार्वेकर आज रियली वी आर हैप्पी टू हैव दिस गैदरिंग. ऑफ कोर्स माय फ्रेंड मिस्टर विक्रम इज आल्सो देयर. आज समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या बोलूं. ये क्या किया तुमने, क्या किया साथिया, क्या किया. लिटरली आज मुझे ऐसा लगा कि कोई जो अपन परफॉर्मेंस देख रहे हैं कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम है. हैट्स ऑफ टू माय ऑल एजुकेटर्स एंड पर्टिकुलरली द एक्टिविटीज. कहीं मिस्टेक नहीं यार, कहीं नहीं. हम तो तुम्हें तो मालूम है चेयरमैन बोला था एकदम खड़ूस, तो वही देख रहा था कहीं मिलता है क्या, कोई मिस्टेक मिलती है क्या. द परफेक्शन एब्सोल्युटली अमेजिंग. हर एक के स्टेप्स, हर एक का कॉन्फिडेंस, हर एक का, अरे वो छोटे छोटे बच्चे भी, और ये तो दोनों ने तो क्या कमाल कर दिया. साथिया ये तूने क्या किया, मुझे पहले लगा मैं उसको पूछ रहा हूं रिकॉर्डिंग है क्या. व्हेन दे से नो, अरे कहीं भी नहीं, इतना बड़ा सॉन्ग बराबर ध्यान में रखे, मुझे ये गाना बोले तो उसका स्टेका मुझे पकड़ने को नहीं आता है. आई एम रियली 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 आज का ये तो सब तुम लोगों का परफॉर्मेंस देख के आई एम रियली कंटेंटेड. पेरेंट्स आर यू विथ मी, इज इट नॉट, क्या परफॉर्मेंस है यार ये. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. जिस तरह से आपने भी बच्चों को हमारे इसमें इनके भरोसे पे यहाँ पे दिया है, आई होप दे आर डूइंग जस्टिस टू, इजंट इट. बहुत बहुत अच्छा लगा आज का परफॉर्मेंस में. आपके लिए बता दूं सर कि हम लोग एक परफॉर्मेंस दे करते हैं और एक दफे एक्टिविटीज डे होता है हमारा, तो आज का जो था सो परफॉर्मेंस और सब पूरे से बच्चों ने टोटली यू ऑलरेडी सीन, मुझे बताने की जरूरत नहीं. 25-25 आर्टिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो और वो भी उनका सब सिंक्रोनाइजेशन, उनका ये जो सब बहुत अच्छा. यही लगे बोलता हूँ कि ऐसा लगता है कि बस इसी के लिए तो ये शुरू किया. Why this education? Only for this. कि जहाँ पे बच्चे तुम्हारे एजुकेशन में तो आगे जाए पर उसके साथ साथ में एक्टिविटीज में और इसमें आगे रहे, क्योंकि यही बहुत इम्पोर्टेंट है. तुम आगे चल के जिस तरह से, अगर तुम इस तरह से इसमें रहोगे, देर आर सो मेनी थिंग्स. एक तो डांस है, गाना है, म्यूजिक बजाना है, इट गिव्स एनर्जी टू द माइंड, और जिसके वजह से उसका ऑटोमेटिकली एकेडमिक के इसमें ही वहाँ पे वो प्रोग्रेस कर सकता है. और यही हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में ये 50% जो स्टडी के ऊपर ध्यान दे और 50% जो उनके माइंड एंड बॉडी के ऊपर काम करे. और जो सो आई मस्ट थैंकफुल टू ऑल माय एजुकेटर्स कि आज का ये प्रोग्राम देख के, यस यू आर डूइंग योर ड्यूटी परफेक्टली. एक बात ध्यान में रखो, मगर ये जो है ना, ये अभी ये डेटम, नेक्स्ट टाइम तुमको इससे भी बेटर करना है, बेटर करना है. आई थिंक अगर इस तरह से गए ना, तो मैं कहूँगा कि यहाँ क्यों,
we will go to Bombay, we will go to Pune, and we will have a program in theater. Right? Thank you so much for really making me happy. All the best. God bless. Thank you, sir, for your inspirational words. Dear audience, let's have a huge round of applause for our honorable chairman, sir. May we now take this opportunity to invite our distinguished chief guest, Somesh sir, to please inspire us and share some words of wisdom. Sir, may we please invite you on the stage to address us. Namaskar. First of all, thank you for having me here. Hope बहुत ही pleasant evening जा रही है ये. देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और बड़ा चढ़ा के भी कुछ नहीं बोलूँगा. But honestly, after so many years, for the first time in so many years, I am seeing such a raw talent performing on stage. जोरदार तालियां होनी ही चाहिए सब बच्चों के लिए. और बीइंग अ म्यूजिशियन, आई टेंड टू नोटिस अ लॉट ऑफ म्यूजिकलिटीज. आई नोटिस, सो आई हैव मोर टू टॉक अबाउट द म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. सो यहाँ पे जो आज हुआ है, हो रहा है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. क्योंकि सिर्फ वोकलिस्ट बनने की टेंडेंसी है अभी, और म्यूजिशियनशिप के बारे में कम सोचते हैं लोग. लेकिन यहाँ पे बच्चे, आप सेटअप देखिए, काउन बॉक्स है, तबला है, कोंगाज है, बोंगो है, वहां पे डफ है, ऑक्टोपैड, तीन ऑक्टोपैड्स है, और पूरा रिदम ड्रम का किट है. दिस इज द रिदम सेक्शन. और यहाँ पे अकोस्टिक गिटार हमने सुना, लीड गिटार सुना, इलेक्ट्रिक गिटार सुना, बेसिस्ट भी है हमारे पास, और कीबोर्ड है. एक वो छोटा सा बच्चा है, वो विद स्पेक्टिकल्स, आई मीन आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिम. जो वो टाइमिंग में फिलर्स बजाना इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इट इज नॉट ईजी. लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन टू दैट. और सभी टीचर्स का मैं देख रहा हूँ, वहाँ विंग में कंडक्ट कर रहे हैं टीचर्स, दे आर डूइंग अ फैंटेस्टिक जॉब. टाइमिंग देना, पूरा इसका सिंक्रनाइजेशन होना बहुत डिफिकल्ट है. सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन. और आई टोटली अग्री विथ चेयरमैन सर. देखिए, लिटिल बिट ऑफ मोर प्रिसीजन, थोड़ा ज्यादा और डिटेलिंग, स्कोर थोड़ा और अच्छे से लिखना और वो रीड करके बजाना, ये सब चीजें करके नेक्स्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस डे है, दैट कैन बी अ सोल्ड आउट टिकेटेड शो. सो वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. और मुझे सभी के नाम नहीं पता है, लेकिन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राची गोखले मैम, शी इज द हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट, फॉर कंसीविंग अलॉन्ग विथ ऑल हर टीचर्स. इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Sir, we request you to please stay on the stage for a minute, as my friend wishes you to ask you a question. Yeah. Sir, पुराने songs में से आपका सबसे favorite गाना कौन सा है? कोई एक खास गाना, कोई एक खास दिल के पास वाला गाना. ऐसे तो बहुत गाने हैं जो मेरे दिल के पास है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि यादे इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ इंडियन आर्टिस्ट इन हिंदी म्यूजिक, हिंदी सिनेमा, ये थीम पे मुझे इनवाइट करना, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है. क्योंकि मेरे जो फेवरेट सिंगर है, लेजेंडरी सिंगर हरिहरन साहब, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. और उनका मेरे ख्याल से मुझे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कौन सा गाना मेरे जहन में होगा. तू ही रहे, आई थिंक it has to be one of my most favorite songs. Wow, sir, it's a favorite song as well. Yes, when we have a great singer amongst us, why should we waste time? So let's rather request him to sing one of his favorite songs for us to add more magical journey.
माय प्लेजर. और एक मेंशन रह गया मुझसे, हमारे साउंड ऑपरेटर दादा, मुझे पता नहीं है उनका नेम, लेकिन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. ये बहुत ही डिफिकल्ट है मैनेज करना, इवन विद द टेक्निकल रिहर्सल इट इज रियली डिफिकल्ट टू पुट टुगेदर दिस काइंड ऑफ सेटअप एंड एग्जीक्यूट इट. तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पान तू मुझको. जाने रे, जाने रे, इन सांसों में बस जा तू. चांद रे, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू. चाहत है आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको. तू ही रे, तू ही, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. जान रे, यूं ही तड़पान तू मुझको. इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं. मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूं ये नैन. इन ऊंचे पहाड़ों से जाने दूंगा मैं, अगर तुम ना आई कहीं. तुम उधर जानो उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जहां छोड़ू मैं. मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे. तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. जान रे, यूं ही तड़पान तू मुझको. थैंक यू सो मच सर. अगर हमारे पास वक्त बहुत होता ना, तो हम एक नहीं और उसकी झलक नहीं, हम बहुत सारे गाने आपसे सुनना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच. एंड मे बी यू डोंट नो, बट आपका यहाँ पे आना और गाना हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है. थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस. नारायणी, एक सवाल पूछू? आर यू गोइंग टू स्टॉप इफ आई से नो सनवी? सो प्लीज गो अहेड एंड आस्क. ओके, दैट्स लाइक अ ट्रू फ्रेंड. वेल, आई रिमेंबर माई मॉम टेलिंग मी दैट we are so lucky with so many options like YouTube and Spotify where we can listen and watch any song of our choice. But I wonder why she says that. Well, it's quite simple, because those days
none of these options were available. People used to write letters and make calls to TV and radio and ask them to play their favorite song. Well, let me show you how they actually did it.